पिंक और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज़। चलिए देखते हैं आज का समाचार। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनपद वासियों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि अभी तक हम लोग लगातार लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर इस समय कोरोना का कोई भी एक्टिव केस नहीं है, और अगर अगले एक दो दिन और इसको हम बनाए रखते हैं तो हम ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हम ग्रीन जोन में जल्दी ही आ जाएंगे अगले 2 दिनों में। इस समय हमारा सारा इम्फेसिस, जैसा कि राज्य सरकार का निर्देश है, कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए मनरेगा का हम लोग बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। अगर हम 20 अप्रैल से बात करें तो 20 अप्रैल से लेकर आज तक हम लोगों ने 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है और 1,00,000 मानव दिवस सृजित किया है। मतलब औसतन 10 दिन का एम्प्लॉयमेंट हर आदमी को हम लोगों ने दिया है पिछले 10 दिनों में, तो एक अच्छी फिगर है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे 48 उद्योग थे उनको चलाने की अनुमति दी गई है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। जो ग्रामीण, चूंकि लखीमपुर एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का जिला है, तो यहाँ जो ग्रामीण एक्टिविटीज़ हैं, खासकर कृषि से संबंधित सारी एक्टिविटीज़ हैं, लगभग सारी एक्टिविटीज अलाउ कर दी गई हैं, जिससे कृषकों को अपनी फसल के कटाई मड़ाई आदि में किसी तरह की सुविधा ना हो, तो पूरी छूट दी गई है कृषकों को। बस सबसे अनुरोध यही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई से संबंधित जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। इसके अलावा यहाँ पर चीनी मिलें, क्रेशर्स, कोल्हू, इसको ऑलरेडी पहले से चलने की अनुमति दी जा चुकी थी। ईंट भट्ठा भी यहाँ चल रहे हैं। जो नेशनल और स्टेट हाईवे के जो प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने अनुमति दी है कंप्लीट करने के लिए, जो रोड्स बन रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जो सरकारी काम है, खासकर पेयजल से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, उनको भी हम लोगों ने शुरू करने की अनुमति दी है। कुल मिलाकर राज्य सरकार का जैसा कि निर्देश है, हम लोगों का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे और हर आदमी के पास पर्याप्त रोजगार के अवसर हो, इस दिशा में हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए बीएस लाइव न्यूज़।